सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तुला राशि, अगले 59 दिन आपके होश उड़ा देंगे। आपके धन का स्वामी रहेगा परेशान, संभलना जरूर। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंग बली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में, मंगल के महापरिवर्तन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल, जो कि आपके धन के स्वामी हैं, आपके व्यापार कारोबार के स्वामी हैं, उनका राशि परिवर्तन 18 जून की रात 8:13 पर होने वाला है। मंगल का राशि परिवर्तन कुंभ राशि से मीन राशि में होगा। 18 जून की रात से 16 अगस्त की शाम 6:24 तक मंगल देव मीन राशि में रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके पंचम भाव से छठे भाव में होने वाला है। मंगल देव अब से पहले आपकी राशि से पांचवें स्थान में चल रहे थे, लेकिन अब छठे स्थान में आने वाले हैं। तुला राशि वालों, मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर कई तरह के शुभ परिणाम पड़ने वाले हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपको कई तरह के बड़े फायदे होने वाले हैं, लेकिन कुछ अशुभ प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि इस समय में मकरस्थ शनि की मंगल पर विशेष दृष्टि रहने वाली है, जिस वजह से भयंकर वर्षा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा से फसलों को हानि पहुंचेगी। इस समय में कई तरह से व्यापार भी प्रभावित होगा, लेकिन रुई, सोना, लाल मिर्च, घी, तेल, तिलहन व लकड़ी से बनी वस्तुएं तेज रहेंगी। इस समय में चांदी में घटा बढ़ी के साथ पहले मंदी और फिर तेजी बनेगी। 20 जून तक ऐसा माहौल रहेगा। 21 जून को वक्री बुध आद्रा नक्षत्र में एवं सूर्य भी इस दिन आद्रा नक्षत्र में दाखिल होंगे। 21 जून को बुध अस्त होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी व्यापार पर पड़ेगा, जिस वजह से गेहूं, उड़द, जो चना, मूंग व मोठ मंदे रहेंगे। शेयर बाजार में 20-21 को जोरदार मंदा आने वाला है, इसलिए 20-21 जून को संभल कर चले। दोस्तों, आपको बता दें कि व्यापार कारोबार में तेजी 24 जून से देखी जाएगी, क्योंकि 24 जून से शुक्र मार्गी होंगे और शुक्र के मार्गी होते ही सोने, चांदी, जेवरात, मोती, ये सब तेज रहेंगे। मंगल पर गुरु की दृष्टि भी रहेगी। आपको बता दें कि 30 जून को वक्री गुरु उत्तर शाड़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में धनु राशि में दाखिल होंगे। बुध राहु सूर्य की दृष्टि पड़ने से हर प्रकार से व्यापार में तेजी का योग बनेगा। जुलाई के महीने से लेकर अगस्त तक का समय आपके लिए कई मामलों में शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय में व्यापार कारोबार में सफलता, धन लाभ, नौकरी में तरक्की, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों में मिठास बनेगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन इस समय में आपको अपने कामों के लिए बहुत बड़े रिस्क एकदम से नहीं लेने चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। खर्चों पर इस समय में आपको रोक लगानी चाहिए और इस समय में आपको एकदम से बेवजह ही बड़े खर्चे भी नहीं करने चाहिए। इस समय में आपके शत्रुओं का नाश होगा, मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी, लड़ाई झगड़े में आपकी जीत होगी, वाद विवाद में, बहस में, तर्क वितर्क में आप आगे रहेंगे। इस समय में आपको हर प्रकार से पुराने उधार की वापसी होगी। रुका फंसा धन मिलने की उम्मीद इस समय में प्रबल है। इस समय में नए लोन के लिए प्रयास करने से सफलता मिलेगी। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के नए रास्ते भी निकलेंगे, लेकिन इस समय में आप बेवजह के फालतू के खर्च भी कर सकते हैं, जिस वजह से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। इस समय में आपको खर्च
करते समय सावधानी रखनी होगी और नए लोगों के साथ किसी भी प्रकार से डील करते समय भी सावधान रहें। अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें। किसी भी काम को बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ना करें। शेष सभी मामलों में यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। उपाय के तौर पर आपको इस समय में लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़, गेहूं, मीठे और तांबे का दान मंगलवार को जरूर करें। दोस्तों, यह समय आपके लिए अति उत्तम साबित होगा और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके समक्ष आने वाली परेशानियों का खात्मा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से जय हनुमान, जय बजरंगबली जरूर लिखें।